त्यसै पनि नमस्कार तपाईँको ग्राउन्ड जिरो यति बेला रौतहटको भिजिटमा छ। रौतहटको भिजिट गर्ने क्रममा यति बेला हामी रौतहटको श्री ब्रह्म ज्योति माध्यमिक विद्यालय लौकहा परोहा नपा वार्ड नम्बर 4 को यो स्कुलमा छु। रौतहट जिल्लामा शिक्षाको अवस्था के छ, यहाँको ग्राउन्ड जिरो के छ, नेपाल सरकारबाट दिएको शिक्षाको सुविधा कस्तो उपयोग गर्दैछ यहाँको स्थानीय नागरिक विद्यार्थीहरूले, त्यो जान्नको लागि हामी भित्र गइरहेछौँ यहाँको स्थानीय टिचरहरूसँग, यहाँको हेड टिचरसँग क्लासको अवस्थाको बारेमा, स्कुलको फेसिलिटिजहरूको बारेमा हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हामी हेर्न सक्नुहुन्छ, असल व्यक्ति आफ्नो व्यक्तित्व र चरित्रको कारणले नै महान बनेका छन्। स्वेट मार्डन उहाँको भनाइ उहाँ पनि त्यहाँ लेखिएको छ र विशेष जान्नको लागि यहाँको प्रधान अध्यापकसँग हामी इन्टरभ्यू गर्नेछौँ यहाँको अवस्थाको बारेमा। सर नमस्कार। 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 के नाम अपने? अरुण कुमार यादव। अरुण जी बताओ अपने ते खड़ा हो जाओ। स्कूल में अपने हेड टीचर कई साल से? विगत 3 साल से। 3 साल से अपने 3 साल में अली तो स्कूल में कथी कथी सुधार कर लिए अपने? सबसे पहले तो ये विद्यालय के बारे में अपने अंतर्वार्ता विद्यालय के वस्तु स्थिति के बारे में पूछे के लिए पहले अपने विगत के अध्ययन करके आई थी कि अभी में विगत में का परिवर्तन तो और अपने सुधार कर कैसे अपनहू के दायित्व रहा कि विगत के भी ये विद्यालय के मानी बारे में अध्ययन करके आला पर बहुत आशा हो गई। ठीक है, अपने ये विद्यालय के बारे में कह रहा तो विगत हमारा आवे से पहले सबसे पहले विद्यालय में शौचालय अनिवार्य चाहे, जौन शौचालय भवन मात्र रहे, स्टाफ भी न जा सके, कहे कि ओकर अवस्था वैसन रहे, विद्यार्थी के बात है नहीं, मतलब सुधार के लिए शौचालय में, शौचालय सबसे पहल का और पांचों सुधार बताऊं सुधार भेल। विद्यार्थी शिक्षक के अभाव के चलते दरबंदी यहाँ रहे लेकिन फुलफिल न भर रहे, वैकेंसी न होला के चलते ओकर फुलफिल न होला से 1 बजे 1:30 बजे छुट्टी देवे के बाध्यता होके दरबंदी अनुसार जे दरबंदी एमे राहत खाली रहे ओ दरबंदी के नियुक्ति प्रक्रिया से ले आके नियुक्ति कल गेल, जौना के चलते अब विद्यालय अपने के 4 बजे तक चल रहा है। मतलब अपने मतलब प्रशासनिक सुधार भी कर ली और जो शौचालय की व्यवस्था भी कर ली, विद्यार्थी अब 1:30 बजे स्कूल का क्लास तक बा 12 तक चल रहा है, 12 क्लास तक स्कूल बा। हम अपने स्कूल तक देख लिया श्री माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ, श्री ब्रह्म ज्योति माध्यमिक विद्यालय, स्कूल के बोर्ड तक चेंज न कर लीजिए अपने की बोर्ड कहे साइन बोर्ड लिखा स्कूल के नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय को चाहिए अपने के, शायद अब हमारा कहला से तो अपने के दुख लागे, नेपाल सरकार के प्रावधान अनुसार 12 कक्षा संचालन होय वाला विद्यालय के माध्यमिक कहल जाले के आ जोन 8 से नीचा चलै थी के आधारभूत कहल जाले के, अब उच्च माध्यमिक शब्द हट गेले है। कब से हटले? जब नया संरचना अपने के लागू भेलै है के विगत 3 साल पहले से ई संरचना लागू भेलै है, ई बात अपने के मालूम होय के चाही। अच्छा बात है, मालूम भेलै अच्छा बात, विद्यालय विद्यालय के नाम रहे लेकिन ओके संरचना चेंज होला के चलते अभी एक माध्यमिक विद्यालय नामकरण। अभी स्कूल में टीचर कितना बा? ये विद्यालय में शिक्षक अपने के माँ भी जमा 3 राहत दरबंदी है, उमावी के तत्कालीन उमावी अभी मावी अंतर्गत है ओकर 2 दरबंदी है। पूरा कितना टीचर जमा अपने के कार्यालय सहयोगी से लेके प्रधानाध्यापक तक 23 आदमी अभी तक प्रेजेंट कितना बा? एक आदमी अब्सेंट है, बाकी टोटल आदमी प्रेजेंट है। कन्फर्म जी? एकदम कन्फर्म जी। एक आदमी प्रेजेंट है, अब्सेंट होने का रीजन? जी एक आदमी अब्सेंट होला कि उनकर बच्चा के तबीयत खराब भेला के उपचार के क्रम में आज अभी अगर कर देखा जाए तो अपने के स्कूल में 1 से लेकर 10 तक क्लास संचालन बा जी, पूरा टीचर क्लास में 12 तक बा, 12 तक मॉर्निंग में बोले ना अभी हो रहा है तो ये सब टीचर सब अभी करती है घंटी लीज में बाकी कहीं ना अपने टीचर होने कराया लेस होगी, ये में 2 कराया लेस होगी है, इन्हें लीजर घंटी में बैठल टीचर है। अच्छा स्कूल में दीवा खाजा की अगर बात करें तो दीवा खाजा की व्यवस्था कैसे? दीवा खाजा नेपाल सरकार जौन प्रावधान ले आयल है सबसे पहले तो हम कहम उ खाजा हटा देवे के चाहे, कारण सरकार हम अभी दे रहा छी लेकिन खाजा हटावे के कारण के जौन बात कहली है के खाजा खाली विद्यार्थी के अपने देवे कि विद्यालय में पढ़ाई ओकरा देवे, पहले पढ़ाई देवे ओकरा बाद में खाजा देवे, विद्यालय में सरकार जौन मापदंड के अनुसार टीचर होए के चाहे उ टीचर यही विद्यालय में ना रौतहट जिला के अन्य विद्यालय में भी टीचर ना है। खाजा के व्यवस्था सरकार जो कहले है वो अनुसार अभी खाजा की व्यवस्था चल रहा है। आज कथी शेड्यूल है?
आज के शेड्यूल चना मुड़ी अपने भंसा कोठा में एक मिनट जाके अपने कौना स्तर से बात कर रही झूठ न बोले पूछे बहुत जगह स्कूल सर्कल के आदमी छी बौद्धिक सर्कल के आदमी छी एगो जगह पर आके अपने बात कर रही झूठ न बोले छी बहुत जगह झूठ को बोल करके किचन में रियल बात कर सकिए चल अच्छा एक बताओ जैसे अगर मदेश मदेश में शिक्षा के वास्ते बहुत कमजोर अपने भी टीचरशिप कथी कथी सुधार होकर चाहिए मदेश के पूरा शिक्षा के व्यवस्था अगर देखल जाए तो सुझाव के रूप में अपने हेड टीचर कथी कथी सुझाव दे सकिले सबसे पहले विद्यालय में शिक्षक दूसरका भवन ई दूगो जब तक फुलफिल न हो तब तक अपने विद्यालय में लैपटॉप बांटब साइकिल बांटब छात्रवृत्ति बांटब खाजा खियब कुछो करब निरर्थक स्कूल में अथी में लैब के भी सुविधा और भी प्लस लाइब्रेरी के और भी सुविधा भी सुविधा भी विद्यार्थी सब कर रहा है जे मात्रा में उपयोग हो के चाहे विद्यार्थी के वो मात्रा में उपयोग न हो रहा है कंप्यूटर क्लास भी न चल रहा है सुन लिये कंप्यूटर क्लास चल रहा है के कहे थे अहाँ की कंप्यूटर क्लास न सुन लिये अपने अगर बात रियल बात अपने कंप्यूटर क्लास चल थे चल रहा है लेकिन सरकार कंप्यूटर क्लास कंप्यूटर की व्यवस्था तो कर लेकिन वो शिक्षा की व्यवस्था हो के चाहिए कंप्यूटर नगर पालिका नेपाल सरकार वो व्यवस्था न करे नगर पालिका से एगो कंप्यूटर टीचर के व्यवस्था कैल है जबकि 1 से 12 तक संचालन विद्यालय में कमती में कंप्यूटर टीचर दूगो हो के चाहिए सेहु ना है महिला टीचर कितना है जी महिला टीचर महिला 7 आदमी अभी महिला कितना उपस्थित है 7 के 7 उपस्थित है एकदम धन्यवाद अपने बहुत सही बात है टाइम मिल रही है बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने के चल रहा है कम से कम देखे के लिए बुझे जब विवाह खर्चा दे कर लिया अपने टाइम मिले बहुत बहुत धन्यवाद जैसे भी ये ग्राउंड जीरो तब कस्तो लगे इंटरव्यू तब कस्तो लगे अवश्य हमें कमेंट और सुझाव करूला तब समय को लगे लव यू स्टे सेफ जय नेपाल।